in case of discrete सिलेबस। क्या पहचान है किसको डिस्क्रीट सीरीज बोलेंगे? सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज मतलब होता है जहां पर x दे रखा होगा साथ साथ में आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होगी, दैट इज x एंड f बहुत आर गिवन, ठीक है, जहां दोनों आपको दे रखे हैं। उस केस में आपका जो मीन निकलेगा, मीन दैट मीन्स x बार, उसके लिए वही तीन मेथड है आपके, डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन आपका शॉर्टकट मेथड, एंड आपका जो थर्ड वन है उसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड के अंदर अगर आपका मीन निकलेगा फॉर्मूला है समेशन fx upon summation f, जिसको हम कैपिटल एन भी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टकट के अंदर आएगा a plus summation fd upon summation f, जिसको कैपिटल एन बोलते हैं। fd का मतलब होता है sum of f into d, f dx, dx जरूरी नहीं, dx में निकालना, dx d ही लिखते हैं, x जरूरी नहीं, और d का मतलब होता है x माइनस a, और a मीन्स अज्यूम्ड मीन, a इज अज्यूम्ड विद इन द वैल्यू ऑफ x, इट मे बी मिडल एंड बिगनिंग और एनी वैल्यू, एनी वैल्यू मोस्टली तो बीच वाला लेते हैं, देयर इज नो एनी कंपल्शन, बट फॉर प्रेफरेंस पर्पस middle value of x will be taken. See it clear? Yes. Then उसके बाद step deviation में आएगा a plus summation f d dash upon summation f that is n into I oblique x. D dash का मतलब होता है d upon I. और आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल और गैप बिटवीन टू वैल्यू और क्लास, क्लियर? ये तीनों मेथड आप देखो, इन केस ऑफ एन यू ओ यू एस डेविएशन इज कॉल्ड एन वैल्यू एक्स, इन केस ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज, व्हेन क्लास इंटरवल जब आपको क्या दे रखा होगा, ठीक है, इसका मतलब अपर एंड लोअर लिमिट अपर लिमिट भी दे रखी होगी और लोअर लिमिट, लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ ग्रो वो दे रखी होगी, मैं जब आपको क्वेश्चन करेंगे तब, अब ठीक है, सबसे पहले आपका डायरेक्ट मेथड, फिर शॉर्टकट एंड फॉलो इसमें आ जाएगा समेशन एफ
x अपॉन सर्कल n दैट इज कैपिटल n. यहां x निकालना पड़ेगा, उसके फॉर्मूला था l1 प्लस l2 डिवाइड बाय 2, और इसको अपन ये भी लिख सकते हैं लोअर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. क्लियर? शॉर्टकट में आ जाएगा a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ दैट इज n. क्लियर? d का मतलब वही x माइनस a, और थर्ड वन में आ जाएगा a प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ दैट इज n इनटू i ऑब्लिक h, और d डैश का मतलब होता है d अपॉन. क्लियर? नोट करो.